हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं पार्थ होम्स जयपुर और मैं आज आप लोगों को एक शानदार सी बहुत प्यारी सी प्रॉपर्टी विजिट कराने वाला हूं। सबसे पहले इस प्रॉपर्टी की अगर लोकेशन की बात करें तो ये गांधी पथ की सबसे बड़ी टाउनशिप सुखीजा विहार में ये प्रॉपर्टी रहने वाली है। सुखीजा विहार की अगर लोकेशन की बात करें तो मंगलम आधार के पीछे ऑलमोस्ट यहाँ पे 200 विलाज की यहाँ पे टाउनशिप है, जो कि गांधी पथ की सबसे बड़ी टाउनशिप है। और इसके अंदर आज हम बात करेंगे 111 गज में बनी हुई प्रॉपर्टी का। यहाँ 100 गज से लेके 300 गज तक के आपको विलाज मिलते हैं। और अगर आज हम जिस प्रॉपर्टी की बात करेंगे 111 गज की, ये आपको सेमी फर्निश्ड भी मिलेगी, साथ ही साथ फर्निश्ड भी मिलेगी। फर्निश्ड में इसकी जो आस्किंग जो है वो रहने वाली है 92 लाख, और सेमी फर्निश्ड की आस्किंग रहने वाली है 75 लाख। बात करेंगे तो ये प्रॉपर्टी जो है वो 20x50 की रहने वाली है। और सबसे पहले हम इसके गेट्स की बात करें तो यहाँ इस प्रॉपर्टी में, इस बहुत प्यारे से प्रोजेक्ट में घुसने के आपको दो आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। ये आपका पार्किंग एंट्री मिल जाती है, ये आ जाता है आपका पार्किंग एरिया। और इसके साथ ही अगर आप गाड़ी लेके एंट्री नहीं करते हैं तो ये आपको पर्सनल आपको एंट्री मिल जाती है, ये इसकी सेपरेट और छोटी एंट्री आ जाती है। बहुत ही पार्किंग एरिया की अगर बात करेंगे तो बहुत ही शानदार सी इसकी सीलिंग मिल जाती है, वुडन टच मिल जाता है। और इसके अंदर अगर आप लाइटिंग देखेंगे तो आपको यूनिक लाइटिंग मिलेगी। आप देख रहे होंगे अब तक आपने जो विला देखे होंगे इस प्रकार की लाइटिंग आपने नहीं देखी होगी। हम बात करते हैं सबसे पहले इस वाटर टैंक की, तो वाटर टैंक ऑलमोस्ट आपको 6,000 से 7,000 की कैपेसिटी का वाटर टैंक मिल जाता है। और यहीं पे मिल जाता है आपको प्लांटेशन। और देखिए प्रॉपर्टी इतनी अच्छी है कि जूते खोलने का मन हो रहा भाई। ये आ जाते हैं हम इसके एंट्री पे, तो इसके डोर की अगर फीचर्स की बात करें, प्रॉपर्टी के अंदर आप एंटर करेंगे तो इसके डोर में आपको 4 लेयर में आपको सिक्योरिटी फीचर्स मिल जाते हैं। आप इसे थंब इम्प्रेशन से एंटर कर सकते हैं, साथ ही साथ आप एंटर कर सकते हैं इसके अंदर पासवर्ड के जरिए, साथ ही साथ एंटर कर सकते हैं कार्ड से और हैं प्रॉपर्टी के अंदर। तो ये सबसे पहले आ जाता है इसका लिविंग और डाइनिंग एरिया। मैंने अब तक आपको विजिट कराया है जितने भी विलाज, उनके अंदर मैं हमेशा यही बोलता हूँ लिविंग कम डाइनिंग रूम। ये पहली बार जिस प्रॉपर्टी में हम एंटर कर रहे हैं इनमें लिविंग रूम और डाइनिंग रूम इनको इस तरह से एडजस्ट किया है कि वाकई में देखते ही बनता है, बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है। सबसे पहले अगर आ जाते हैं तो ये आपका गेस्ट रूम बना दिया गया है। यहाँ पे आपको सोफ़ा वगैरह लगा के भी दिया जाएगा, साथ ही साथ आपको मिल जाती है टी टेबल। टी टेबल में इसका टॉप जो रहने वाला है वो आपको मार्बल लुकिंग में इटालियन शेप में आपको मिलने वाला है। और एंटर करते हैं तो इसके साथ ही बिल्कुल सामने आ जाता है बिग साइज़ LED पैनल, और जिसके नीचे आपको मिल जाते हैं ड्रावर। ऊपर आपको सोफ़ा सेट के ऊपर जो है आपको मिलेगी डेकन की AC, और साथ ही साथ फैंस मिलेंगे आपको हैवल्स कंपनी के। फोर सीलिंग आप देख ही रहे हैं जिसके अंदर आपको खूबसूरत सी लाइटिंग का काम दिखेगा। और आ जाते हैं हम अंदर, तो ये जो लिविंग और डाइनिंग रूम है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। वो जो हमने देखा था ये आपका गेस्ट रूम के रूप में ही काम आ सकता है, और ये आ जाती है आपकी डाइनिंग टेबल। यहाँ पे आपको 6-सीटर डाइनिंग जो है वो लगा के दी जाएगी, और इसमें भी डाइनिंग टेबल का जो टॉप जो है वो ग्रेनाइट शेप में, इटालियन शेप में आपको मिलने वाला है। अगर हम इनकी वॉल्स की बात करें तो वॉल्स पे आपको खूबसूरत सी लाइटिंग, सीलिंग में आपको खूबसूरत सी फॉल सीलिंग, और हैवल्स जैसी मल्टीनेशनल कंपनी के आपको फैंस मिलने वाले हैं। इधर आ जाता है आपका टेबल टॉप वॉश बेसिन, जिसका टॉप जो है वो ग्रेनाइट का रहने वाला है, और आपको जगुआर कंपनी की जो है वो सैनिटरी फिटिंग मिल जाती है। यहाँ आपको एक्स्ट्रा जो है वो डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए आपको एक अदर स्पेस मिल जाता है। अब हम चलते हैं किचन की तरफ। आपका ओपन मॉड्यूलर किचन रहने वाला है, और ये काफ़ी बिग साइज़ में किचन है। अगर इसके टॉप की बात की जाए तो अच्छी हाइट पर बना हुआ, और इसके अंदर बहुत ही अच्छी शाइनिंग वाले ग्रेनाइट का काम किया गया है। यहाँ आपको मिल जाती है साइड में टाइलिंग वर्क, और साथ ही साथ आप अपने ग्रोसरी आइटम वगैरह रखने के लिए ऊपर आपको मिल जाते हैं अलग से कैबिनेट। वेलपूल की आपको चिमनी मिलने वाली है। और इसके अंदर अगर फर्नीचर की अगर बात करेंगे हम,
तो इसके अंदर फर्नीचर काफ़ी बिग साइज़ में आपको रैक्स मिलने वाली है। इतनी बिग साइज़ में आपने रैक नहीं देखी होगी, इतनी बिग साइज़ में आपको रैक नहीं देखी होगी। और साथ ही साथ ये बहुत ही स्मूथली हैंडल भी होती हैं। अगर आप इतना सा आपको प्रेस करने की ज़रूरत है, उसके बाद में ये ऑटोमेटिक जो है वो क्लोज हो जाएगा। सीलिंग की अगर बात करेंगे तो अच्छी सी फॉल सीलिंग है। लाइटिंग बहुत ही फैंसी जो है, जिससे ये प्रॉपर्टी जो है और निखर के आएगी। अब हम चलते हैं इस प्रॉपर्टी के पहले बेडरूम की तरफ। तो ये आ जाता है इसका बेडरूम। बेडरूम में खूबसूरत सी फॉल सीलिंग और बहुत ही शानदार, बहुत ही यूनिक जो है वो आपको हैवल्स के फ़ैन मिलेंगे। साथ ही साथ मिलेगी आपको डेकन की एसी और ये मिलेगा आपको बेड। 6x6 की लेंथ में ये बेड बना हुआ है, जिसके बैक में भी आपको वुडन वर्क मिलता है। और आपको साथ ही साथ लैंप के लिए आपको वुडन का काम करके दिया जाएगा। दोनों तरफ जो है वो आपको पावर पॉइंट ऑप्शन मिल जाते हैं, फैंस के ऑप्शन मिल जाते हैं। और ये मिल जाते हैं आपको वार्डरोब। वार्डरोब जो है वो काफ़ी किंग साइज़ में टॉप टू बॉटम जो है वो वार्डरोब मिलने वाले हैं। बड़ी साइज़ में है, पूरा एक साइड का पूरा एरिया जो है वो वार्डरोब में कवर किया गया है। साथ ही साथ बेडरूम में मिल जाता है आपको LED पैनल। आपने लिविंग रूम में भी, आपने गेस्ट रूम में भी आपने LED पैनल देखा होगा। ये पहला बेडरूम है, इसके अंदर भी आप LED पैनल देख रहे हैं। यहाँ आ जाता है आपका कर्टन्स और इससे आप चल जाते हैं इस रूम के वेंटिलेशन एरिया में। वेंटिलेशन एरिया में आपको वाटर टैप मिल जाता है, पावर पॉइंट मिल जाता है और साथ ही साथ मिल जाती है ऊपर से AC का आउटर है, वहाँ रख सकते हैं। साथ ही साथ इस एरिया को जो है वो जाली से कवर्ड किया गया है। आप देखेंगे कि इस एरिया में भी आपको ट्रैवल करके दिया जा रहा है। नहीं, अधिकांश अगर ज़्यादातर देखेंगे तो आपको वेंटिलेशन एरिया में आपको ट्रैवल नहीं मिलता है भाई। और अच्छी साइज़ में ये रूम है। इधर आ जाते हैं हम इस रूम के वॉशरूम की तरफ। तो वॉशरूम को अगर देखेंगे तो इस वॉशरूम में आप लिविंग रूम से भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इस रूम से भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी किंग साइज़ में ये वॉशरूम बना हुआ है। बहुत ही शानदार हिंदवेयर की आपको जो है वो फिटिंग मिलती है इसके अंदर और बहुत ही अच्छा टाइलिंग कॉम्बिनेशन है। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपको जो है वो शावर एरिया अलग से मिलता है, आपको स्लाइडिंग जो है वो शावर एरिया मिल जाता है। ये देखेंगे कितना खूबसूरत है। और शावर एरिया के बाहर की तरफ अगर हम देखेंगे तो आपको मिल जाता है टेबल टॉप वॉश बेसिन और बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यूनिक ये प्रॉपर्टी है। अद्भुत है, अद्भुत। और अब हम चलेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर पे, यानी कि ये प्रॉपर्टी जो है वो 3 BHK की रहने वाली है। अभी हमने एक रूम, हमने लिविंग रूम देखा है, हमने आपका गेस्ट रूम देखा है और अब हम चल रहे हैं सीढ़ियों में। तो यहाँ आपको मिल जाती है सीढ़ियों में आपको खूबसूरत सी लाइटिंग। सीढ़ियों में जो है वो शाइनिंग ग्रेनाइट का यूज़ किया गया है। साथ ही साथ रेलिंग में जो है वो आपको स्टील का वर्क मिल जाता है। ये आ जाता है इस प्रॉपर्टी का लॉबी एरिया। लॉबी एरिया में इतना खूबसूरत, अगर आप देखेंगे तो ऊपर आपको झूमर इतना खूबसूरत मिलेगा, काफ़ी यूनिक और काफ़ी जानदार जो ये झूमर लग रहा है। इतना लाइटिंग का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है कि देखते ही बन जाता है भाई। अब बात करते हैं हम इस लॉबी एरिया की। तो ये लॉबी एरिया जो है वो काफ़ी अच्छी स्पेस में, काफ़ी यहाँ अच्छी स्पेस मिल जाती है। मतलब आप चाहें तो यहाँ पे अपना एक अलग से लिविंग रूम जो है वो सेट कर सकते हैं। यहाँ मिल जाता है आपको मंदिर का ऑप्शन, बहुत ही अच्छा वुडन का वर्क मिलता है। और जो इसके पिलर हैं मंदिर के, ये भी काफ़ी स्मूथ और बहुत ही अच्छे और अच्छे जो वो शेप में बने हुए हैं। नीचे आपको जो है वो रैक्स मिल जाती हैं। अब चलते हैं हम इस प्रॉपर्टी के ऊपर के फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो फर्स्ट बेडरूम में अगर आप देखेंगे तो बेडरूम में भी अगर आप गेट की बात करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही फिनिशिंग के साथ में और बहुत ही अच्छा वर्क किया गया है। ये आ जाता है ऊपर का बेडरूम। ऊपर के बेडरूम में भी आपको बेड मिलने वाला है जो कि 6x6 की लेंथ में है। पीछे वुडन वर्क मिल जाता है, साथ ही साथ आपको कॉटन वर्क मिल जाता है और
इधर भी आपको लाइट लैंप लगाने के लिए भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। एक साइड जो है वो पूरी की पूरी फर्निश्ड है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही फिनिशिंग के साथ में, बहुत ही शानदार, बहुत ही शोबर जो है वो वर्क किया गया है। यहाँ फिर से आ जाता है आपका एलईडी पैनल, और एलईडी पैनल में भी आपको अलग अलग बहुत ही खूबसूरत सी यूनिक सी डिज़ाइन, आपको जितने एलईडी पैनल हैं वो हर पैनल जो है वो आपको अलग डिज़ाइन में देखने को मिलेंगे। ये आ जाता है इसके कर्टन्स, कर्टन्स के पीछे आपको मिलेगा वेंटिलेशन एरिया। वेंटिलेशन एरिया में आपको ऑलमोस्ट वाटर टेप मिल जाता है, पावर पॉइंट मिल जाता है, एसी का आउटर लगा सकते हैं, और जाली से इसको कवर किया गया है। अगर आप जाली के अंदर से आप देख रहे होंगे तो इस प्रॉपर्टी के पीछे क्रिकेट अकेडमी दिख रही होगी। यहाँ पे क्रिकेट अकेडमी का बहुत ही शानदार सा मुजाहरा दिख रहा है, बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको। भाई इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है कि आप खरीदे बिना रह नहीं पाओगे, और प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा ही, आप संपर्क कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इस रूम के हम वॉशरूम की तरफ बढ़ते हैं, तो ये आ जाता है इसका ड्रेसिंग एरिया, जहाँ पे अच्छी सी ड्रेसिंग बनी हुई है, अच्छा टॉप टू बॉटम ऑलमोस्ट जो है वो आपका मिरर लगा हुआ है। साथ ही आपको नीचे मिल जाते हैं वार्डरोब, सॉरी ड्रावर मिल जाते हैं, और ये आ जाता है इसका बाथरूम। बाथरूम जो है वो अच्छी टाइलिंग में, और बहुत ही अच्छा जो है वो कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार है। इसके अंदर भी आपको टेबल टॉप वॉश बेसिन मिलता है, यहाँ पर भी आपको इतना स्मूथली और इतना अच्छा और इतनी गजब की प्रॉपर्टी ये दिख रही है, आप यकीन नहीं करेंगे। अगर आप आके फिजिकली अगर इस प्रॉपर्टी की विजिट करेंगे तो आपको मज़ा आने वाला है भाई। अब आ जाते हैं हम इसके फ्रंट के बेडरूम की तरफ, जो कि बालकनी वाला है, और ये एंटर हो जाता है। ये रूम जो है वो आप देखेंगे, इसमें भी आपको बेड मिलने वाला है, बहुत ही खूबसूरत सा बेड है, बहुत ही खूबसूरत सा इसके अंदर वर्क किया गया है, बहुत ही जानदार सा, बहुत ही शानदार सा इसके अंदर वार्डरोब का काम किया गया है। साथ ही साथ इसके अंदर मिल जाता है ये एलईडी पैनल, और एलईडी पैनल इस रूम में भी आपको रोशनी के लिए आपको कर्टन्स मिल जाते हैं बहुत ही खूबसूरत से। यहाँ पर आपको ग्लास, और यहाँ पर आपको ग्लास वर्क मिल जाता है, और जिनको कर्टन से जो है वो कवर किया गया है। देखेंगे आप, यहाँ पर भी आपको एसी और एक फ़ैन जो है वो मिलने वाला है। सीलिंग और लाइट का कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे तो बहुत ही यूनिक और बहुत ही गजब दिखने वाला है। और हम इसके फ्लोरिंग की भी अगर टाइल की बात करें, इसके फ्लोरिंग की जो टाइल का जो क्रेचर है वो इटालियन जैसा दिखता है। अगर आप इसकी फिजिकली अगर आप विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि वीडियो में तो फिर भी जो है वो आपको थोड़ा बहुत हल्का नज़र आ रहा होगा, बाकी आप फिज़िकली अगर इसकी आप टूर करेंगे, विजिट करेंगे, तो आपको मज़ा आने वाला है। अगर आप घर पे भी अगर प्रॉपर्टी अगर ख़रीद भी नहीं रहे हैं तो भी अगर आप देखना चाहते हैं और घर पे दूसरी प्रॉपर्टी में यूज़ करना चाहते हैं तो काफ़ी इंटीरियर जो है वो इंटीरियर के लिए आपको अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं, अच्छे आइडियाज़ मिल जाते हैं। इस रूम से जो आप कनेक्टेड जो वॉशरूम है, ये इसके अंदर भी आपको टेबल टॉप वॉश बेसिन मिल जाता है। इधर मिल जाता है आपको शावर एरिया। शावर एरिया ये खूबसूरत चीज़ देखी है मैंने इस बार विलाज में, ये अच्छा शावर एरिया जाता है। मतलब कुल मिला के ये इतना ज़्यादा स्पेसियस है कि शावर एरिया को अलग से जो है वो पार्ट बना दिया है। और इधर आपका ये टेबल टॉप वॉश बेसिन वगैरह आ जाता है, साथ ही साथ इसके अंदर आ जाता है ये वेंटिलेशन एरिया। और अब चलते हैं हम इस प्रॉपर्टी के, अब हम चलते हैं इस प्रॉपर्टी के बालकनी एरिया में, तो ये आ जाता है बालकनी एरिया। बहुत ही स्पेशियस ये बालकनी जो है वो बनी हुई है। इसका डायमेंशन की बात करें तो ऑलमोस्ट जो है वो आपको 20 बाई 4 की आपको ये बालकनी मिलने वाली है, जिसके अंदर भी आपको प्लांटेशन करके दिया जाएगा। इतनी प्यारी प्रॉपर्टी है कि आप भाई वीडियो में आप इसकी फिर भी आप खूबसूरती जो है वो देख नहीं पाएंगे, अगर आप फिजिकल टूर करेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। और इतनी बड़ी टाउनशिप है, इसके अंदर आप अपने मन चाहे आपको अच्छे से अच्छे विकल्प मिलते हैं, अच्छे से अच्छे ऑप्शन मिलते हैं। सामने की जो आप रोड देख रहे होंगे, इसके अंदर आपको टाइलिंग वर्क मिल जाता है, साथ ही साथ अच्छी कनेक्टिविटी है चारों तरफ से। आप चाहे वैशाली की बात करें तो ये वैशाली से अच्छी कनेक्टिविटी है। सामने जो वाटर टंकी देख रहे हैं
ऑलमोस्ट 3 लाख जो वाटर स्टोरेज की जो इसकी कैपेसिटी रहने वाली है, 200 विलाज की ये टाउनशिप है। सामने जो आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं ये इससे भी थोड़ी सी ज़्यादा लेंथ की, ज़्यादा बड़ी साइज़ में ये बने हुए हैं, जिनकी विजिट भी हम बाद में करेंगे। अब चलते हैं हम इस प्रॉपर्टी के टॉप पे। भाई अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी प्रार्थना है, निवेदन है, और अच्छे से अच्छे वीडियो हम आपको आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये हम चल रहे हैं इस प्रॉपर्टी के टॉप में, तो यहाँ पर भी आपको ग्रेनाइट के जो है वो स्टेप्स मिलने वाले हैं, बहुत ही अच्छी सी लाइटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, खूबसूरत झूमर, खूबसूरत लाइटिंग, और जो कि इस प्रॉपर्टी को अलग और यूनिक बना देता है। अब आ जाते हैं हम इसके टॉप में। तो इसके टॉप की अगर बात करेंगे तो आपको मेरे पीछे, जैसे कि मैंने आपको रूम से भी दिखाया था, पीछे जो है क्रिकेट अकेडमी, यहाँ से ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा होगा। जो सामने क्रिकेट अकेडमी आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपके बच्चे खेलेंगे कूदेंगे, तो काफ़ी ये जो है स्पेशियस प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी के अंदर ही स्पेस की बात नहीं है, ये प्रॉपर्टी जो है वो आपको बाहर भी खुला खुला सा माहौल आपको देगी। और यहाँ अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा। और इस प्रकार की वीडियो आप देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कोई हमसे सजेशन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगले वीडियो तक नमस्कार, प्रणाम।